रतन जी, जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि जो एनडीए है और बीजेपी वापस जो है सेंटर में हुकूमत बनाने वाली है, और ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी 3 सीटें इंडिया गठबंधन को दी गई हैं, जो नेटवर्क 18 का जो एग्जिट पोल है, और 3 सीटें ही इंडिया अलायंस को दी गई हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तमाम देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री जिसे भारत में बड़े खुश सुलूबी के साथ इलेक्शन संपन्न हुए हैं, एक वो घटना को छोड़ के बाकी बड़ा पीसफुली हुआ है यहाँ पे। इसके लिए मैं देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक एग्जिट पोल का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ सभी चैनल जो हैं वो एनडीए को अपर हैंड दे रहे हैं। ये तो ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी है मुल्क के अंदर। जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा वोटर की इज्जत की है, और उनकी कोर्ट में बात था, जिन्होंने उनको पसंद किया वो आएंगे, हुकूमत बनाएंगे। तो हमारा यही कहने का मकसद है कि जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, हमने शुरू से कह रहे हैं कि हमारी 3 सीटों पे हमने इलेक्शन लड़ा है। 3 की 3 तमाम एग्जिट पोल्स जो हैं वो देर यही बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीनों सीटें जो है निकल रही हैं, हम जीत रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं जम्मू कश्मीर के वोटर्स जो हैं हमारे, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उन्हें यही यकीन दिलाने की कोशिश करूँगा कि हमारे जो कैंडिडेट इस बार चुन के जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो एक अहम रोल जो है वो अदा करेंगे वहां पर। इसके साथ साथ अहम रोल तो है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा के अगेंस्ट कैंपेनिंग किया और कांग्रेस पार्टी के साथ जो है वो खड़े हुए दिखाई दिए, लेकिन आपने जम्मू की दो सीटें हैं वहां पे कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया, तो इंडिया अलायंस में तो कांग्रेस पार्टी भी है, तो आप कैसे समझते हैं कि तीनों जो सीटें दिखाई हैं इंडिया अलायंस की वो केवल एनसी की हैं? देखिए, इसमें बड़ी साफ बात है कि हम जो जम्मू की 2 सीटें थी इंडिया अलायंस की, वो भी हम जीतने जा रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा, अभी तो क्योंकि काउंटिंग होना बाकी है उसमें बताएगा। हमें तो पूरी उम्मीद है कि हम ये 2 सीटें भी जीतेंगे। लेकिन यहाँ तक ताल्लुक है एग्जिट पोल की आपने बात की, तो मैंने उसके बारे में कहा है अकाउंटिंग अभी होनी है, एक्चुअल पोजिशन क्या है। लेकिन मैं ये कहूंगा जिसकी भी सरकार बनेगी, आपने देखा कि भाई इंडिया अलायंस ने भी अपनी तरफ से एग्जिट पोल किया है, मतलब सर्वे किया है, उसमें 290 सीटें इंडिया अलायंस कह रहा है कि हम जीत रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल है, हमें हमारी अपनी बात है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, सरकार जिसकी भी बने उनको चाहिए कि इलेक्शन के दौरान जो बिटरनेस पैदा होती है, जो हिटलेट पैदा होती है आपस में, उसको भूल के लोगों की खिदमत के लिए उनको आगे आना चाहिए, लोगों की खिदमत करना चाहिए, डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, और भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये तो एक वोट की लड़ाई थी, लड़ाई है, एंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो अगर हम ये बात सोच के चले कि साहब नहीं, मुझे फलां शख्स ने ये कहा था तो उसका मैंने बदला, रिवेंजफुल एटीट्यूड जो है किसी की भी सरकार बने वो नहीं होना चाहिए। प्यार मोहब्बत से हमें आगे ले जाना है इस मुल्क को, इस मुल्क की तरक्की के लिए बात करनी है, इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए बात करनी है, जो मेन मुद्दे हैं उनको हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और हिंदुस्तान के अंदर मुद्दे ही मुद्दे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, जितने लोग बच्चे इतने परेशान हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन मुद्दों की तरफ, महंगाई आसमान छू रही है, इस प्रकार जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो भी जीत के जाते हैं उनको वो हल करने होंगे, और ये वोटर्स की जीत है। और हालांकि इनका कहना है कि इंडिया अलायंस का भी एक सर्वे हुआ है, उसमें 290 इंडिया अलायंस को मिली है, तो देखना होगा 4 जून को जो जो ऊंट है